स्टार्टिंग द वीडियो आउट ऑफ नोवेयर, डायरेक्टली जिम में वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। बीच में रेगुलर नहीं रह पाया मैं बिकॉज ऑफ एग्जाम्स एंड अदर रीजंस, तो मैं कुछ काम में भी बिजी था। अभी से जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला है, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वीक में 3 वीडियोज़ यू कैन एक्सपेक्ट। एंड बड़े वीडियोज़ मैंने नहीं छोड़े, लेकिन शॉर्ट्स मैं छोड़ता आ रहा हूँ, और हाँ इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अभी आज डेडलिफ्ट सेशन है, उसके बाद बैक है, बैक और बाइसेप्स कंप्लीट करने के बाद कुछ काम है, उस काम के लिए मैं जाऊंगा। एंड आई लेट यू नो कि क्या काम है, और आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है बहुत। तो ये रहा सामान वामान सब पड़ा है यहाँ पर, नी स्लीव्स वगैरह, जूते वूते। और ये जूते जो है ये एक्चुअली स्विमिंग शूज़ है, ये पावर लिफ्टिंग के शूज़ हैं नहीं। अब नोटोरियस का देखो, नोटोरियस लिफ्ट्स का आएगा आपका 7,000 रुपये 8,000 रुपये का जूता आएगा नोटोरियस का, तो उससे भी ज़्यादा आएगा। और जितने भी पावर लिफ्टिंग शूज़ है उसका प्राइस लगभग 3,000-3,500 रुपये 4,000 रुपये। तो सबसे बढ़िया है ये वाटरप्रूफ शूज़ है, डीकैथलॉन में आपको मिल जाएंगे लगभग 600 के अराउंड। तो जाओ ये एक पेयर ले लो, डेडलिफ्ट मस्त डेडलिफ्ट मारो, मतलब ऐसा बढ़िया ग्रिप मिलता है ना इससे। पता नहीं ये किसने इनॉग्रेट किया पावर लिफ्टिंग में, लेकिन ये स्विमिंग के शूज़ है, बहुत बढ़िया लिफ्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर सुमो पुलर हो तो क्या ही कहूँ मैं, बहुत बहुत बढ़िया है। और चीज़ प्री वर्कआउट लेने से कुछ दिनों से क्या हो गया था, मेरा नींद पूरा ख़राब हो गया था। मतलब ऐसा नींद का शेड्यूल बन गया था मेरा कि मैं 36 घंटा जाग रहा था, देन 25 आवर्स सो रहा था। ऐसा गंदा शेड्यूल बन गया था, 36 घंटा जाग के पढ़ रहा था, जिम से आके पढ़ रहा था, फिर सुबह को कॉलेज निकल के, यूनिवर्सिटी निकल के, एग्ज़ाम देके वापस घर आके, फिर जिम करके फिर सो रहा था मैं। ऐसा शेड्यूल बन गया था, इतना ज़्यादा प्री वर्कआउट अब्यूज़ करने लग गया। तो इसके मतलब रिगार्डिंग एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट अब्यूजिंग प्री वर्कआउट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। और प्री वर्कआउट में पैसा खर्च करना वर्थ इट है क्या नहीं, ये भी मैं बताऊँगा। और कौन से प्री वर्कआउट आपको लेने चाहिए, प्री वर्कआउट में भी है मतलब डिफरेंट टाइप्स के प्री वर्कआउट आपको मार्केट में मिल जाएंगे, सब आपको नहीं लेना है। बहुत सावधानी बरत के, बहुत दिमाग लगा के प्री वर्कआउट यूज़ किया करो। हाँ अभी बेल्टलेस 2-3 सेट लूँगा वार्म अप, देन आई स्टार्ट माय वर्कआउट। और हाँ मैंने प्री वर्कआउट छोड़ रखा है, अभी प्री वर्कआउट मैंने बंद कर रखा है, तब जाके मेरा जो है नींद 2-3 दिन से ठीक ठाक से आ पा रहा है। धीरे पूरी ठीक नहीं हुआ, अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। दैट्स इट, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। तो मैं अभी पूरा वार्म अप रूटीन तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं 15-20 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ वार्म अप में ही स्पेंड करता हूँ, वार्म अप और स्ट्रेचिंग में स्पेंड करता हूँ। Instead of the path of least resistance, I started choosing the path of most resistance to prepare myself for the journey that was coming my way. And you realize through hard work, you can outwork anybody. No matter how badass they are. It starts with yourself, man. You gotta start diving into those things that you are afraid of. You don't gain confidence by going to the spot that makes you feel good. It's gonna be a false reality. And the second life gives you that challenge, all you wanna do is go back to what gave you confidence, is that happy spot. No, what gave me confidence was spending years at a kitchen table trying to learn how to read and write on my own, realizing I can't learn the way you learn. I can't, but I can learn. What gives you confidence, not being afraid, is overcoming the fear. That's what gives me confidence, is facing these things, overcoming them. And maybe not overcoming them every day, but facing them. And face them and face them pretty soon like this. You know what, man? This is where it's at. It's not in that comfort zone. It's in the discomfort zone is where my confidence is getting built. फ्रेम में आया कि नहीं पता नहीं, अभी बारबेल रोइंग चल रहा है विदाउट स्ट्रैप्स। स्ट्रैप्स यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ग्रिप स्ट्रेंथ वैसे भी वीक है, आई वांट टू डेवलप सम गुड ग्रिप स्ट्रेंथ। तो हाँ प्रो टिप, ये आपको डेडलिफ्ट बढ़ाने में भी हेल्प करेगी, स्पेशली आप अगर कन्वेंशनल करते हो तो। लैट्स एंगेजमेंट बढ़ाती है, लैट्स में पावर स्ट्रेंथ दोनों बढ़ाती है, एंड इट्स गोइंग टू मेक योर बैक वाइड एज हेक।
So let's jump on to the next exercise. One arm rowing, then I'll do some wide grip lat pull downs, close grip lat pull downs, and then bicep curl, bicep hammer curl. ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता हूँ. हालत बहुत ख़राब हो रखा है, मुझे काम पे भी जाना है, आधा घंटा टाइम है, पूरा कंप्लीट करना है. सो सॉरी फॉर दैट. Challenge every single day until the fear goes away. Sure. And I feel like that's what more of us should be doing. I'm hearing that that's what you, how you live your life. That's all it is, man. And it helps me feel so much more confident. When you overcome that fear, yep, of saying this doesn't have control over me anymore, that's right, it's like you can be at such more peace. A lot of us speak in hollow words. I used to speak in hollow words. I don't do it anymore. Everything that comes out of my mouth has substance. It's real. We all have these feelings in our bodies, in our minds, in our souls. I act on mine. A lot of us who are afraid of something, we allow our minds to choose the path of least resistance, so we go a different route. And I'm afraid of something, it's telling me you must do that. Life is one big mind game, and you're playing it with yourself. You cannot lose perspective of where you've come in life. तो अभी bicep का जो है hammer curl और bicep का normal curl किया है dumbbell से, तीन तीन set, 15 और 7 किलो से सुपर सेट किया है. ये bicep खत्म हो गया है. Let's see the pump. और अभी जा रहे हैं काम पे. वो किस काम पे जा रहे हैं वो बाद में बताऊंगा. So now let's head out of the gym. खुद से तो खाना बनाया नहीं जाता, ये मछली है, बाहर जो मिल रहा है वही खा रहे हैं. बस घर से अंडे बॉइल करके लाए थे 5. चलो जो काम है मैं नहा के निकल रहा हूँ. छोटी